हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये प्रोटीन से भरपूर नाश्ता की रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और इसे आप बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मूंग दाल से आज हम तैयार करेंगे दो तरह का नाश्ता। जिस आप इस रेसिपी के लिए इस तरह का बिना छिलके वाली दाल ले सकते हैं या फिर इस तरह का छिलके वाला भी दाल ले सकते हैं। इससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगी। छिलके वाली मूंग दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने एक कटोरी छिलके वाली दाल लिया है। और इस मूंग दाल को हमने 6-7 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप इसे 2 घंटों के लिए गर्म पानी में भी भिंगो कर छोड़ सकते हैं। अब हम इस मूंग दाल को छन्नी में छान लेंगे और इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। मूंग दाल से हमने सारा पानी को अलग कर लिया है। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें सारे दाल को हम डाल लेंगे। एक कप ही दाल है तो एक बैच में सारा दाल हमारा पिस जाएगा। इस तरह से फूलने के बाद आप चाहें तो इसके छिलके को हटा भी सकते हैं। मैं इसके छिलके को नहीं हटाऊंगी, इसके छिलकों के साथ ही लूंगी, बहुत हेल्दी होता है। तो हम इसमें कुछ सामग्री ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, उसे इस तरीके से तोड़ कर डाल लेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता अगर घर में हो तो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है करी पत्ता डालने से। थोड़ा सा साबुत जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, बिना हल्दी के भी इसे बना सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा क्रीमी और स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें दाल के एक भी कण नहीं बचे हैं। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें पीसते समय ही सारी सामग्री को ऐड कर लिया था। अब इस बैटर से हम 2 तरीके का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें से 2 से 3 करछुल बैटर हम अलग निकाल कर रख लेंगे। बैटर को हमने अलग कटोरे में रख लिया है। अब हम इस तरह की छोटी छोटी कटोरियाँ लेंगे, जितना हमें नाश्ता बनाना होगा उतनी कटोरियाँ ले लेंगे। उसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर इस कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। कटोरियों के अंदर एक एक करके कड़ी पत्ता लगा लेंगे। इन कटोरियों को साइड रख लेते हैं। अब हमने जो अलग बाउल में बैटर निकाल के रखा था उसे लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 पैकेट इनो। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। पूरा पैकेट इनो का यूज नहीं करेंगे, 1/2 पैकेट इनो का ही यूज करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेंगे। बैटर में इनो को मिक्स करने के बाद इस तरीके से कटोरियों को लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके बैटर को हम डालते जाएंगे। इस तरीके से सारी कटोरियों में इसी तरीके से बैटर को डाल लेंगे और भरकर ऊपर तक कटोरी में बैटर को नहीं डालेंगे, 1/2 ही डालेंगे। चारों कटोरियों में हमने बैटर को इस तरीके से फिल कर लिया है। इधर हमने एक गहरी कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और उस पर एक स्टैंड भी रख लिया है। आपके पास अगर स्टैंड नहीं हो तो बिना स्टैंड के ही इस नाश्ता को इसके अंदर डाल लेंगे। बर्तन थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि कटोरियाँ इसके अंदर आ जाए। कटोरियों को कढ़ाई के अंदर डाल लेने के बाद इसके ऊपर ढक्कन डाल लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। अब जब तक ये नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक दूसरे नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लेट में लेंगे लगभग 150 ग्राम के करीब पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है, और साथ ही डालेंगे 1 छोटे साइज का कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच के करीब चाट मसाला यूज करेंगे। इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा इस फीलिंग में। 1/2 चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब काला नमक ऐड करेंगे और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमारी फीलिंग बनकर तैयार हो चुकी है, इसे अब साइड रख लेते हैं
और अब बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा हम दूसरे बाउल में जो बैटर लगा हुआ था उसमें हमने पानी डाल लिया है और उसी को हम इसमें डालकर अच्छे से घोल लेंगे। अगर नाश्ता आपको क्रिस्पी चाहिए हो तो आप इस घोल को थोड़ा पतला रखें, और नाश्ता अगर आपको सॉफ्ट चाहिए हो तो इस घोल को थोड़ा सा थिक रखें। थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं और इसे घोल लेते हैं। बैटर को हमने अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब हम एक इस तरह का तवा लेंगे, और ये नॉनस्टिक तवा है तो इस पे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना ऑयल के भी इस नाश्ता को हम आसानी से बना सकते हैं। एक चम्मच बैटर लेंगे और इस तरीके से इसे चारों तरफ घुमाते हुए फैला लेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको नाश्ता क्रिस्पी बनाना हो तो बैटर को थोड़ा पतला ही फैलाइएगा, नाश्ता अगर सॉफ्ट चाहिए हो तो बैटर को थोड़ा मोटा ही फैलाइएगा। बैटर को इस तरीके से अच्छे से हम फैला लेंगे। इस नाश्ता को आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ऊपर से हल्का हल्का सा ऑयल इस तरीके से डाल लेंगे। जब ऊपर की लेयर ड्राई हो जाए तभी हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। चीला एक साइड से सिकने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से तवे को छोड़ने लगा है और ऊपर से भी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, तब हम चीले को इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हल्का सा सिकने देंगे। दूसरे साइड भी चीला कुछ सेकंड सिक चुका है, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। तब इसके ऊपर हम तैयार की गई पनीर की फिलिंग को डाल लेंगे। इस तरीके से पूरे चीले पर हम इसे फैला लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से पनीर की फिलिंग डालने के बाद इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। एक चीला हमारा सिक कर तैयार हो चुका है, और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे चीले को भी सेकेंगे। सेंटर में बैटर को डालते हुए चारों तरफ इसे कलछी से हम घुमाते हुए फैला लेंगे। ये दूसरा चीला भी हमारा सिक कर तैयार हो चुका है, इसे भी पलट लेते हैं और इसे भी दोनों साइडों से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये भी सिक चुका है तो इसके ऊपर भी पनीर की फिलिंग को डालते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा पनीर स्टफ छिलके वाली मूंग दाल का चीला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, और साथ ही हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है, जो बिल्कुल इडली की तरह लग रहा है देखने में। ये नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये बिना ऑयल के बने हुए नाश्ता की रेसिपी है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के नाश्ते में, या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी इसे दे सकते हैं। बच्चे बड़े मज़े से इसे खाएंगे। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।